जयपुर में धमाकों से दहशत, आतंकियों के घुसने की सूचना पर कमांडो ने संभाला मोर्चा, आतंकियों को तलाशने की थी रिहर्सल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। बिरला मंदिर और मोती डूंगरी पहाड़ी पर आतंकियों के घुसने की सूचना पर एटीएस व एनएसजी कमांडो ने गुरुवार रात को क्षेत्र को घेर लिया। आतंकियों कमांडोज के बीच करीब सवा घंटे तक फायरिंग होती रही और रह रहकर धमाकों की आवाज आने से आसपास के क्षेत्र में दहशत बना रहा। मौके पर जुटे पुलिस कर्मी और सिविल डिफेंस की टीम मॉक ड्रिल होना बता रहे। बाद में पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने कहा कि ये मॉक ड्रिल नहीं थी। एनएसजी और एटीएस के कमांडो ने मंदिर और पहाड़ी पर रिहर्सल की थी। इस रिहर्सल की जानकारी पहले से थी। पुलिस कंट्रोल रूम ने 8:15 बजे सबको एक सूचना दी थी। पुलिस कंट्रोल रूम ने गुरुवार रात 8:15 बजे स्थानीय थाना सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम पुलिस अधिकारियों को बिरला मंदिर में आतंकियों के घुसने की सूचना दी। कुछ देर बाद ही स्थानीय पुलिस यहां पहुंच गई, एटीएस में भी आ गई। 8:35 से 8:45 बजे तक सिविल डिफेंस, दमकल, एम्बुलेंस और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी पहुँच गए। एनएसजी के आने तक एटीएस ने मोर्चा संभाला। पुलिस कंट्रोल रूम ने 8:17 बजे एनएसजी कमांडो आतंकियों को सूचना दी। एनएसजी बेंस कैंप ने रवाना होकर करीब 9:15 बजे यहां पहुंची। तब तक एटीएस कमांडो बिरला मंदिर में मोर्चा संभाले हुए थे। एनएसजी कमांडो के पहुंचने पर दोनों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। एनएसजी व एटीएस कमांडो ने मंदिर और पहाड़ी पर आतंकियों की तलाश में करीब 1.25 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। रिहर्सल के दौरान आतंकियों के वेश में छिपे बदमाशों ने आमना सामना हुआ। फायरिंग से क्षेत्र के धमाके सुनाई दे रहे। कमिश्नरेट के कमांडो ने भी मंदिर के बाहरी क्षेत्र में मोर्चा संभाल कर रखा था। रिहर्सल का पता चलने पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर कमांडो ऑपरेशन देखने वाले लोगों में कौतूहल भी बना हुआ था। पुलिस का बाहरी जिम्मेदारी फिर भी लगा जाम। रिहर्सल के दौरान पुलिस को JLN मार्ग और मंदिर के पास के क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। आसपास के थाने और लाइन से पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने JDA चौराहा, त्रिमूर्ति सर्कल और बिरला मंदिर के पास वाले मार्ग पर यातायात बंद कर दिया, लेकिन अचानक बंद किए गए यातायात से लंबा जाम लग गया। लोगों ने बताया कि ये तो रिहर्सल थी, असली घटना होने पर भी पुलिस जाम में फंसे लोगों को यूं ही छोड़ देती है क्या? भविष्य में मॉक ड्रिल या फिर रिहर्सल के दौरान ट्रैफिक में फंसे लोगों को कैसे निकालें? इसका इंतजाम कैसे किया जाना चाहिए? यहाँ गार्ड नजर आया सतर्क। राजस्थान विश्वविद्यालय के गार्ड को बिरला मंदिर और आसपास के क्षेत्र में आतंकी घुसने की सूचना मिली। उसी पल गार्ड ने विश्वविद्यालय परिसर में बने क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया। गार्ड ने सभी लोगों को घर के अंदर रहने के साथ सावधान रहने के लिए जागरूक किया। अजय पाल लांबा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर कमिश्नरेट, बताया कि जयपुर सहित प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर एनएसजी और एटीएस कुछ माह अंतराल में रिहर्सल करती है। इसकी पहले से जानकारी थी। आतंकियों के छिपने पर उस स्थान पर कैसे प्रवेश किया जाए, अंदर की बनावट कैसी, ये सब देखा जाता है ताकि महत्वपूर्ण स्थलों की बनावट से कमांडो परिचित रहे। जय हिंद।